हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। प्रभु आपको हेल्दी और हैप्पी रखे। फ्रेंड्स, सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज सैटरडे है, आज गुड़िया की भी छुट्टी है, तो आज मैं और गुड़िया थोड़ा मार्केट जाएंगे को शॉपिंग करने। यही कोई 10 और 11 के बीच का जैसे फ्री होंगे। पराठों के साथ में अचार और दही और लाइट से नाश्ता बनाया। सैटरडे है और दिन में हम लोगों ने मार्केट भी जाना है, तो इसलिए मैं खाली पराठे और ये कर रहे। 11 बज के हम लोग जा रहे हैं मार्केट। हमने ना कैब बुक कर ली और बटरू के हमने ये गले में टावल भी लपेटा है, क्योंकि ना ये वॉमिटिंग होती है, इसको गाड़ी में तो अक्सर जाती है लेकिन होती है, इसलिए इसको ये टावल लपेटा है। बिल्कुल सुन सी हो गई है। फेस 3 के मार्केट जा रहे हैं हम, मयूर विहार फेस 3 में कुछ शॉपिंग करनी है, चूड़ी वगैरह लेनी है। अब हम फंस गए भारी जाम में। दिल्ली में ना जाम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चारों तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। काफ़ी देर हो गई, लगभग 15 मिनट के आसपास हमें जाम में फंसे हो गए। पीछे आ गए हम लोग बीच में, पीछे भी जाम है, आगे भी बचा है। अब हम पहुँच गए मयूर विहार फेस 3 की मार्केट में। यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर तरह का आइटम मिल जाता है, तो इसलिए हम यहीं आए और हमारे घर के नज़दीक भी है, तो यहीं से आज हम शॉपिंग करेंगे। हम कहाँ आए शॉपिंग करने, फेस 3 की मार्केट में भैया वहाँ से ले लिए। आज हम बहुत दिनों बाद घर से निकले और सोचा कुछ शॉपिंग कर ली जाए, तो गुड़िया के लिए और बटू के लिए कपड़े लेने आए हम लोग। आ जाओ गुड़िया, बटू दे आओ। हमने यहाँ से लिया कुछ चूड़ियाँ दूर की दुकान से। साथ में हमने लिए कुछ लटकन, ये जो कपड़ों ब्लाउज वगैरह में लगती है, ये लटकन लिए हमने। और भी मटरू के कपड़े और जीन्स वगैरह और छोटा मोटा बहुत सारा सामान लिया। हेलो गाइस, हम लोग सुबह 10 बजे से निकले हुए घर से और हमने सारी शॉपिंग कर ली है। अब शाम के 5 बजने वाले हो गए। ये सारा अब हम वेट कर रहे हैं मट्टू के दादू का, वो हमको लेने आएंगे। और बहुत सारी शॉपिंग करवा रहे हैं, बैग भर गए, ये एक बैग, ये एक, ये और एक, ये भी तो मुझे भी लगे। तो फ्रेंड्स, सुबह से थक गए, कुछ भी नहीं खाया, बस अभी गोलगप्पे खाए हम लोगों ने और अब हम जा रहे हैं घर। ओ पी गला मैं बैठी ना, पर मटरू को ना दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसको मोबाइल चाहिए बस। ओ गला मैं अब हम पहुंच गए घर और मैं बना रही चाय। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी भी हम आए बाज़ार से और आके मैं बना दी चाय और लेट हो गया, 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया। तो खाना मैं आज पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि थकान हो गई है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं। मार्केट में हमने इसलिए नहीं खाया कि सामान बहुत था हमारे पास, सिर्फ गोलगप्पे खा के आ गए और साथ में मटरू भी थी, बहुत सारे बैग, फिर इसलिए अब आगे सीधा पुलाव बनाऊँगी और दही का रायता। चाय भी बन गई है, चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके जो सामान लाई उसको अनपैक करूंगी और फिर पुलाव बनाऊंगी, मटर पुलाव, थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां और जो भी सामान पड़ा वो मिला के।
पहले चाय पीते हैं। चलिए, मैंने चावल धो के रखे हैं और ये थोड़ी सी एक दाल मसूर की और इसमें लहसुन टमाटर दो हरी मिर्ची थोड़े से काजू प्याज और मटर। और हमारा तेल हो गया गरम, इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगा और मैंने तेज पत्ता डाला। और ये तेज पत्ते के साथ तो मेरी बहुत बड़ी सिंपैथी है क्योंकि बेचारा सबसे पहले खाने में डल जाता है और खाना तैयार होते इसको निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसा लगता है इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा तेज पत्ते के साथ सिंपैथी रहती है। तो मैंने सारे मसाले और जो मसूर की दाल भिगाई थी वो सब एक साथ फ्राई कर लिए, कुछ इसमें थोड़े से काजू किशमिश वगैरह ये सब डाल के, और चावल भी मैंने पहले से भिगा के रख दिए थे। ये सब मसाला तैयार हो रहा है और जैसे तेज पत्ता हम निकाल के फेंक देते हैं और जो धनिया होता है वो सबसे लास्ट में आता है और बहुत ही शान से खाने पे सज जाता है, तो इसलिए मैं तेज पत्ते के साथ हमेशा मेरा फेवर रहता है। सारा मसाला तैयार हो गया है, उसमें मैं पानी डाल दिया है लगभग 2 गिलास और ये साथ में मैं डाल दूंगी चावल और इसको एक सीटी के साथ ही पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। यही बनाए नहीं तो अक्सर हम लोग फुलके ही बनाते हैं, लेकिन मैंने आज पुलाव बनाया रात को। अब हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया और अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट फ्रेंड्स। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it.